महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की कप्तानी मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट को नए मुकाम पर पहुंचाया। वे इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में किसी टीम ने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती है। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम की कप्तानी मिली थी, लेकिन ये अभी तक एक राज था कि धोनी को टीम इंडिया की कप्तानी मिली कैसे। अब खुद माही ने इस राज पर से पर्दा उठा दिया है। धोनी से जब पूछा गया कि 10 साल पहले उन्हें टीम की कप्तानी कैसे मिली थी, तो उन्होंने कहा, एक बार फिर ये काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि उस वक्त काफी सारे सीनियर खिलाड़ियों ने मेरा साथ दिया था। जब मुझे टीम का कप्तान बनाया गया तो उस मीटिंग का मैं हिस्सा भी नहीं था। मुझे लगता है कि मेरी ईमानदारी और खेल के प्रति मेरी जानकारी को लेकर मुझे टीम की कप्तानी मिली। गेम को पढ़ना काफी अहम होता है। हालांकि उस वक्त टीम में मैं एक युवा खिलाड़ी था, और जब एक सीनियर खिलाड़ी ने मेरी राय पूछी तो मैंने खुलकर अपनी राय दी। शायद ये भी कारण रहा कि टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। गौरतलब है कि धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती है। भारत ने 2007 आईसीसी वर्ल्ड टी20, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।